नमस्कार दोस्तों, आप सभी राजस्थानी भजन प्रेमी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं हूं प्रेम और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एक गणपति वंदना, देसी अंदाज में देसी गणपति वंदना, गणेश जी महाराज का भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है, वो अपन सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। अब दोस्तों, भजन के अंदर कौन कौन से सुर लगेंगे, कौन सा स्केल लगेगा, कैसे इसको गाना, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब दोस्तों, एक बार इस भजन की राग सुन लेते हैं, राग कैसी है, इसके बाद में इसको आसानी से सीखेंगे और मैं इसको तीसरी काली से बजाऊंगा, आपको अपने स्केल के अंदर बजाना। तो चलिए दोस्तों, भजन की राग ऐसी है। पधारो गणपति, धूपे खेउला अगरबती, धूपे खेउला अगरबती, निजमी दरिया में आप ही पधारो गणपति, मारी राम सभा में आप ही पधारो गणपति। इस तरीके से दोस्तों, इस भजन की राग ऐसी है और इसके लग रहा सारी मा पा धा सा, यानी सारे मा पा धा सा वाला स्केल इसके अंदर लग रहा है, ये सुर लग रहे हैं। इसी स्केल में बहुत सारे राजस्थानी भजन है दोस्तों। अब दोस्तों, भजन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है पा सुर से। यहां से देखो, ये सा और ये पा, यहां से देखो, धूपे खेउला अगरबती, पा धा लग रहा है, पा धा, अंदाजा ये लगाना कि आवाज पा पे कितनी देर तक चल रही, उसके बाद में धा लगाना। देखो, धूपे खेउला अगरबती, आवाज ऊपर की साइड में जा रही तो ऊपर का सुर लगाना। धूपे खेउला अगरबती, निजमी दरिया में पधारो गणपति, आपे पधारो गणपति, मा पा मा रे सा, यानी मा पा मा रे सा, इस तरीके से सुर लग रहे हैं। पाधा पा, दोस्तों बिल्कुल देसी अंदाज में ये देसी गणपति वंदना है, बिल्कुल आसानी से आप बजाना सीख सकते हैं। आपको अपने स्केल में गाना चौथी काली से अगर गा रहे हैं तो सुर वही ढूंढना, सारे मा पा धा सा, सारे मा पा धा सा, बिल्कुल आसानी से देसी अंदाज में मैं बता रहा हूँ आपको, और अभ्यास करेंगे दो चार बार तो बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। देखो, धूपे खेउला अगरबती, निजमी दरिया में आपे पधारो गणपति, मारी राम सभा में, मारी राम सभा में आपे पधारो गणपति। अब
दोस्तों इसका जो अंतरा है वो देख लेते हैं एक बार, अंतरा कैसे गाना है, उसके बाद में और कुछ इसकी जो ट्यूनिंग है वो देखेंगे। हाँ परमा भी आओ देवा, विष्णु भी आओ रे, परमा भी आओ देवा, परमा भी आओ देवा, सारे लग रहा है। विष्णु भी आओ रे, राम परमा भी आओ देवा, पा लगेगा, विष्णु भी आओ रे। अब पा पे चलेगी, हाँ संग में तो सूरी सती लावो, संग में तो सूरी सती लावो, निजमीन दरिया में आप ही पधारो गणपति, संग में तो सूरी सती लावो, निजमीन दरिया में आप ही पधारो गणपति, मारी राम सभा में आप ही पधारो गणपति। अब दोस्तों इसी भजन को चौथी काली से गाएंगे तो सारी माँ पा धा सा, ये वाला स्केल लगेगा। यहां से देखो, एक दोस्तों ध्यान ये रखना कि जैसे अपन सा रे मा पा धा सा ये वाला सुर में भजन गा रहे हैं और आपको कुछ ट्यूनिंग बजानी है या कुछ अलग तरीके का मोड़ देना, तो ये जो कोमल नी है इसका प्रयोग आप करें तो बहुत ज़्यादा मिठास आएगा, देखना आप। ये देखो ये भजन आप सारे मापादासा स्केल में गा रहे हैं, लेकिन जब ट्यूनिंग वगैरह का प्रयोग करते हैं या कुछ अलग तरीके का अंदाज लाने के लिए, जो ये कोमल नी है धा के अगला वाला जो बटन, ये इधर नीचे की साइड में ये भी कोमल नी है, तो इस तरीके से इसको आपको देसी अंदाज में सीखना है और प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों। प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बजाना सीख जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।